जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो बातें मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली ये कि शनिदेव के न्याय से आपको कोई नहीं बचा सकता। शनिदेव का जो दंड विधान है उससे कोई भी देवी देवता आपको बचा नहीं सकता है। आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। जब तक आप प्रायश्चित न कर ले, जब तक आप पश्चाताप न कर ले, जब तक आप इतनी साधना न कर ले जिससे शनिदेव प्रसन्न हो जाए, तब तक आपको कोई बचा नहीं सकता। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि शनिदेव के किसी भी प्रयोग को एक दिन पे करने पर शनिदेव प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको लगातार वो प्रयोग करना पड़ेगा, लगातार वो उपाय करना पड़ेंगे, तब जाकर शनिदेव का क्रोध कुछ शांत होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत में देव निरंजन। तो दोस्तों, दिनांक 30 मई 2022 को शनि जयंती मनाई जाएगी। सोमवार का दिन रहेगा, तो उस दिन का यह विशेष प्रयोग है। उस दिन से आपको यह प्रयोग शुरू करना है, ये उपाय शुरू करना है। खास तौर से 6 राशि वालों के लिए यह प्रयोग है। सबसे पहले तो 3 राशि अब वो है जिनके ऊपर साढ़े साथी चल रही है। सबसे पहली राशि जो है वो मकर है, कुंभ है, और वर्तमान में मीन राशि के ऊपर भी साढ़े साथी प्रारंभ हो चुकी है। तो मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि, इन 3 राशि वालों को यह प्रयोग करना है। इसके अलावा जिन राशि वालों की ढैया चल रही है, जैसे कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन 2 राशि वालों की ढैया चल रही है, तो इन दोनों को भी यह प्रयोग करना है। इसके अलावा शनि देव की जो 7वीं दृष्टि है वो 5वीं राशि में पड़ रही है, सिंह राशि पर, तो सिंह राशि वालों को भी यह प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 राशि वालों को यह प्रयोग करेंगे तो उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, और शनिदेव की कृपा उन पर बनी रहेगी, और उनकी जो साढ़े साथी है या उनकी जो ढैया है या जो शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ रही है उससे उनको थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। लेकिन एक दिन के प्रयोग से ये राहत मिलेगी ऐसा नहीं है, आपको लगातार ये प्रयोग करना पड़ेगा, लगातार ये उपाय करना पड़ेगा। शनि जयंती के दिन से आप इसका प्रारंभ करें। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय ये है कि आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करें, पैर छूकर उनसे रोज आशीर्वाद लें। तो शनिदेव के साढ़े साथी हो, ढैया हो या शनिदेव की दृष्टि हो, शनिदेव की दशा अंतर दशा हो, तो उससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों, दूसरे उपाय के अंतर्गत आपको शनिदेव को उन चीजों का भोग लगाना पड़ेगा शनि जयंती के दिन, जो शनिदेव का अत्यधिक प्रिय है। तो शनिदेव को एक तो काली मिठाई काफी प्रिय होती है, इसके अलावा उड़द की दाल की बनी हुई खिचड़ी भी शनिदेव को काफी प्रिय होती है। तो आपको उड़द की दाल की खिचड़ी बनाना है, कम से कम आपको 1 किलो 1.25 किलो दाल लेना है, काली उड़द की दाल लेना है और उसकी खिचड़ी बनाना है। शनि मंदिर जाना है शनि जयंती के दिन, और शनि मंदिर में आपको काली उड़द की जो खिचड़ी आपने बनाई है वो भोग के तौर पर वहां पर चढ़ानी है। इसके अलावा बाहर जो गरीब और बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं उनको वो खिचड़ी वितरित करना है, उनको वो बांट देना। यदि आप काली उड़द की खिचड़ी अगर आप बांट नहीं पाए तो आप तेल में तले हुए समोसे या फिर तेल में तले हुए भजिए भी शनि जयंती की शाम को गरीबों में बांट सकते हैं, या फिर तेल में बने हुए पराठे भी आप गरीबों में बांट सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक उपाय ये है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर शनि देव का छल्ला, लोहे का छल्ला जो होता है वो धारण कर सकते हैं शनि जयंती के दिन, या फिर नीलम रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। जिन लोगों की साढ़े साथी चल रही है या फिर ढैया चल रही है या फिर शनि देव की महादशा और अंतरदशा चल रही है, उनके काम बिगड़ रहे हैं, तो शनि जयंती के दिन अपने पुराने कपड़े किसी गरीब बुजुर्गों को देंगे तो उनको काफी लाभ होगा। इसके अलावा दोस्तों, एक छोटा सा उपाय यह है कि शनि जयंती के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे शाम को सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनि देव से क्षमा याचना करें, तब जाकर शनि देव का क्रोध कुछ कम हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा जो लोग ये उपाय नहीं कर पाएंगे, इनमें से कोई सा भी उपाय नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सबसे साधारण उपाय यह है कि आप शनि जयंती के दिन शाम को शनि मंदिर जाएं और वहां पर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें, अपने किए की क्षमा याचना करें और एक एक के 9 सिक्के शनिदेव की थाली में प्रस्तुत करें, तो इससे भी शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, ये थे शनि जयंती के दिन करने वाले कुछ साधारण से उपाय। जिनकी साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, वो ये उपाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही दिन यह उपाय नहीं करना है, आपको कम से कम 21 या 51 शनिवार तक ये उपाय करना है, तब जाकर आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जिन लोगों को साढ़े साथी या ढैया चल रही है उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइए, तो उनको भी कुछ लाभ होगा और इसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।